जाली था उसको वो तो निकल चुका है पहले, तो इसके जगह पे मुझे नए जाली लगाना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन है इसका भी लकड़ी वगैरह सारे टूट चुका है, इसको भी निकाल के यहाँ पे अच्छा लुक देना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैसा लुक दे पाता हूँ। उससे पहले इसको निकाल देता हूँ, सारे जो लकड़ी है सारे लकड़ी को मैं निकाल देता हूँ पहले। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखूँगा कि पीछे का दो जो लकड़ी है वो दो लकड़ी को मैं रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो दो लकड़ी है ये दो दो को मैं रख दूँगा क्योंकि ये बाद में काम आएगा। और साथ साथ देखते हैं कैसा लुक होता है, बाकी सारे पहले साफ सफाई कर लेते हैं। मैं ऐसे नारियल का जो झाड़ू होता है वो वाला झाड़ू यूज़ कर रहा हूँ। और उससे भी पहले मैं इसके अंदर जो यहाँ पे एक मटकी लगा हुआ है उस मटकी को निकाल देता हूँ मैं। मटकी पता नहीं किस तरीके से लगा हुआ है तो इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। चलिए मटकी तो निकल चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। देखिए मैं ये वाला लेके आया हूँ बैंगन का, तो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन अभी लगाने के बाद कैसा लगेगा पता नहीं। चलो चलो तो फिर लगाते हैं। डेकोरेट करना, देखो नीचे का पोर्शन, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे होल है, जैसे यहाँ पे है, जैसे इस कोने में पुराना केज था इस वजह से यहाँ पे होल बन चुका है, जैसे ये भी खराब हो चुका है। ये सारी चीज़ों को मुझे थोड़ा सा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ऐसा ही होगा कि यहाँ से छोटे छोटे चूहे आ जाएगा, फिर बाद में बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बर्ड को भी काट सकते हैं और साथ साथ जो चिक्स वगैरह निकलेगा उन सारी चीज़ों को भी खा सकते हैं। तो इस वजह से इस होल को बंद करना है मुझे। मैं ऐसे छोटे छोटे लकड़ी का पीसेस को यूज़ करके ऐसे अंदर डाल सकता हूँ। इस तरीके से बिल्डिंग के बॉक्स होते हैं आप लोगों को पता है, लेकिन ये बिल्डिंग बॉक्स ना ही बदरीज के लिए है ना ही कॉकटेल वगैरह के लिए, ये बिल्डिंग बॉक्स है कोयल बार्ड के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, और एक है मेरे पास और एक को मैं इस कोने में रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए इसका मुंह हो गया इधर से और इसका मुंह हो गया इधर से, इतना तक तो हो चुका है। अभी इसको डेकोरेट करना है, क्योंकि डेकोरेट करने के लिए मैं ऐसे प्लांट यूज करने वाला हूँ। पूरा हो चुका है लगभग, प्लांटेड देके अच्छे से डेकोरेशन पूरा हो चुका है लगभग। ठीक है, चलिए इस कोने को भी अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, ये वाला कोना को भी। इसके ऊपर पहले मैं ऐसा एक पेपर का शीट देंगे मोटा वाला, क्योंकि इसके ऊपर पेपर क्यों दे रहे हैं
क्योंकि मैं इसके इसके ऊपर मैं प्लांट रख रहा हूँ, इस वजह से इसके ऊपर पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि प्लांट का जो पानी होगा वो पानी नहीं तो नीचे ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसको ख़राब कर देगा, इसलिए यहाँ पे एक पेपर दिया पॉन जैसा। और लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पत्थर दिया हूँ, इस वजह से इसके नीचे कोई पेपर वगैरह नहीं दिया। इसके नीचे भी आप पेपर दे चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया हूँ, देने की ज़रूरत भी देने इसके ऊपर एक लकड़ी का ऐसे वाला एक लकड़ी लगाऊंगा जो दिखने में अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रेत को इस्तेमाल किया, रेत बाड़ के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने जो धान का जो भूसी होता है वो भूसी मैंने यूज़ किया। तो और अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे जाली को दोस्तों जैसे मैंने बताया था लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए